ज्ञान दे अगमी सागर रूहानीयत दे भंडार समुची मनुखता दे रहबर शब्द शक्कर तख्त दे मालक शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी सात संगत जी आओ एक बार मन बिरतियां एकाग्र करते हुए सतगुरु की बख्शी फतेह नाल सांझ पाई गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे हफ्तावारी दीवाना विच जुड़ बैठ के गुरु के कीर्तनीय सत्कार जो भाई कुलदीप सिंह दिलबाग सिंह सुलखन सिंह टोहाने वाले इन्हां दे पासों गुरबाणी का कीर्तन बड़े प्यार नाल सारे ने सरण किया है। अज के दीवान धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के लखते जिक्र बाबा जुझार सिंह जी का जो जन्म दिहाड़ा है इसमें समर्पित हैं। आओ उन्हां नूं याद करदिआं होइआं सतगुरु की सिख्या नूं समझिए समझ के अरदास करिए कि सतगुरु तुहाडी सिख्या ते असीं चल सकीए। रस्ता पुछदा रहे बंदा पुछदा रहे पर रस्ते ते चलेगा ते कदे भी बंदा मंजिल ते पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि मैं पुछ रहा हां पर चल नहीं रहा। भाई गुरदास जी के बोल ने कि पूछत पथक ते मार्ग न धारे पग प्रीतम कै देश कैसे बातें सह जाइए। खड़ा हुआ राह ही पूछी जा रहा जेड़ा भी आ रहा है ये राह किधर जाता पूछी जा रहा है पर रस्ते ते पैर नहीं रखता। बस असी पूछी जाइए गुरु साहब साहब दसी जाओ दसी गुरु साहब तो दसी जाने हर वक्त दसते हैं जदों भी बाणी पढ़ांगे सुनांगे वो सानू राह ही दसते ने राह है पर राह ते चलना सानू खुद पैना है। जे मंजिल ते पहुंचना है तो फिर चलना पैना है तो जे मंजिल ते नहीं तो फिर खड़े हैं ठीक है एक थां ते। प्रीतम के देश कैसे बातें से जाइए गलों में प्रीतम के देश में पहुंचा जाएगा गलों बातों नहीं उस रात ही चलना पैना है। गुरबाणी उसका उस प्रीतम का देश उस प्रीतम मिलने दे ये रस्ता दसया गया है ये चल सकी असी। सतगुरु जी बख्शिश करते ने अनंत साहब की बाणी विच एक पौड़ी सतावीं पौड़ी विच सहि कहिंदे ने कि धार्मिक ग्रंथ जिहड़े ने केवल ते केवल तो उन्होंने पढ़ लै सुन लै मुबारक है पढ़ लैना मुबारक है सुन लैना मुबारक है धार्मिक ग्रंथों नूं गा लैना कहीं तेवी नहीं करदे मुबारक है पर केवल इत्थे रुक नहीं जाना बहुत बंदा रुक जाता है ते जो धार्मिक ग्रंथ असलीयत दसते ने उसनू समझ लगी। गुरु अमरदास महाराज कहते हैं कि सिमृत शास्त्र पुन पाप विचार दे तत्त्व सार ना जाने। सिमृतियां ते शास्त्र धार्मिक ग्रंथ जिहड़े केवल इन्हूं पढ़ते ने बस कि बस पढ़ना है इहदे विच और इत्थों तक पढ़ लेना असलीयत जो इहदे विच दसी गई है उसनू नहीं समझना पाप ते पुन दे चक्कर विच पै जाना ते लोकां नूं पाई जाना ऐ करोगे पाप है ऐ करोगे पुन है ये करोगे तुहानू अगे ऐ कुछ मिलेगा जे गलत कीता ते अगे तुहानू ये गलत होएगा ये होएगा इस चक्कर विच हुण की करना है इस मनुखा जीवन विच की करना है एक गुरु तो बगैर दसदा भी नहीं ते
ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਕੁਛ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਹੁਤ ਛਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬੜਾ ਛਕਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀ ਕਿ ਰੱਜ ਰੱਜ ਭੋਜਨ ਖਾਓ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤ੍ਰਿਕ ਰਿਹਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਖਾਏ ਵਧਾਇਆ ਪੇਟ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ? ਲਾਣਤ ਉਸ ਜੀਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਖਾ ਕੇ ਪੇਟ ਹੀ ਵਧਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਹੀ ਭੇਤ ਬੁੱਝਿਆ ਪਾਉਣਾ, ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ। ਤੋ ਖੈਰ ਆਓ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭੇਤ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੋ ਗਾਲੀ ਹੋ ਛਿਆ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਭੇਜ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੇਵਲ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਇਹ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ, ਜੇ ਆਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਨਰਕ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਡਰਾ ਨਾ। ਬਹੁਤਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਭਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅੜ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਖੋਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੋਰੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਖੋਰੇ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੇਵਲ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਛੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਬਸ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੱਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਾਜੋਂ, ਤੱਤੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੱਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਸਲੀ ਕੀ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮੇ। ਮਨ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਪ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ, ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਰੰਗ ਮਾਣ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸਿਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜੋ ਪੁਨ ਮਨ ਰਹੇ, ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਹੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸਮਝ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਤੱਕ, ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਪੜੋਸੀ ਕੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਕਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੀ ਰਹੇਗੀ ਰਹੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਨੇ ਫਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਨਾ ਹੋਏਗੀ। ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿੱਤ ਨ ਰਹਿਆ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਭਲਿਆ ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਦੀਨ ਨਾ ਗਵਾ ਦੇ, ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਗਵਾ ਨਾ ਬੈਠੀ ਇਸ ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ। ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਲੱਗ ਨਾ ਆਪ ਪੰਜਾਇਆ, ਝੂਠੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾਰ ਨਾ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ।
कबीर साहब के बोल ने कबीर दीन गवाया दुनी से दुनी ना चाली साथ पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ दीन गवा लिया दुनिया ना लग के दुनिया ना लगे शायद झूठ बंदा बोलता है बेईमानियां करता है हेरा फेरियां करता है हक मारता है गले कुड़ता है झूठ बोलता है पहाड़ करता है कई कुछ करता है बंदा दुनिया वास्ते पर गुरबाणी कहती है कि नहीं दीन गवाया दुनी से दुनी ना चाली साफ दुनिया इतनी रह गई तू चला गया इतनी रह गई तो होया कि पाए कुहाड़ा मारिया दाखल अपने हाथ मूर्ख ने अपने पैरों पर आप कुहाड़ा मार कोई तो नारे वक्री गल है पर जेड़ा बंदा अपने पैर से आप ही मार लू कहने मूर्ख है पर इतने असं सारे ही अपने पैरों से कुहाड़े आप मारी जा रहे हैं इसमें सच बन के बैठ के पता नहीं इतना पकड़ लिया गुरबाणी असलीत दसती है ना ये रहना जरूर है पर एक सरा है एक धर्मशाला है सरा दे विच रोज किन्ने लोग आते हैं कोई एक दिन दो दिन चार दिन रह के फिर गए फिर दूजे फिर तीजे चलता रहता है इस तरह ही है दुनिया एक चलती सरा है इस तरह समझना सुनो जे दे नाल पकड़ बन गई तो फिर मुश्किल है तो गुरबाणी सानू अपनी असलियत दसती है गुरबाणी सानू संसार की असलियत दसती है गुरबाणी सानू उस निरंकार की असलियत दसती है कि वह निरंकार परमेश्वर ही तेन पैदा करने वाला है उही तेन संभालने वाला है तो उही संघारन वाला है उसके नाम के नाल अपनी सुरत में जोड़ उसके नाल जोड़ वो है वह जरे जरे विच है उदे तो बगैर कोई थान है ही नहीं है दुनिया विच जिथे वह नहीं है उसके नाल तेरी सांझ बने जे उसके नाल तेरी सांझ बनेगी तेरा जीवन सुखाला होगा गुरबाणी यह कहती है कि जे तू उस जपन लग गया तो तू उदा अरूप बन जाएगा उदे विच लीन हो जाएगा तू उदी अंश है तू उदी अंश है बंदा भाल विच है किसी सुख की भाल विच है पर लभ होण पास हो रहा है असल विच ये बंदा लभ रहा है क्योंकि लभ उस आनंद के सोमे नूं रहा है जिहदे विच निकलिया था इहदा संबंध है इहदा संबंध है भरम भुलेखे विच पै के ये उस संबंध तो टुट गया उसनूं समझ नहीं आ रही की करा जे उसके नाल मेल हो गया ना तो फिर आनंद बनना है उस तो पहला नहीं बन सकता उस विच विच बहुत सारिया रुकावट आ जाए ने बंदा उन्हों का ही रह जाता बस दुनिया के पदार्थों तक ही रह जाता उस तो अगे यदि सुरत जाती नहीं है इस करके एक खोज रहा जरूर क्योंकि ये अपने असले तो टुटा है अपने असले तो विछड़िया हुआ है पर इन राह नहीं मिल रहा गुरबाणी सानू राह दिंदी है तो विछड़िया के नाम कबीर साहब कहते हैं कबीर सूरता क्या करे बैठा रहो अरजाग जाके संग ते बिछड़ा ताही के संग लाग जिदे नालों बिछड़ गए ओदे नाल लग फिर जिंदगी च आनंद होगा ओ तो बिछड़ के दुखी है सारे नूं पता है एक छोटे जे बच्चे की उदाहरण एक बच्चा अपने बाप की उंगल पकड़ के एक मेले में है देख के बड़ा खुश है किलकारियां मार रहा है कितने झूले देख रहा है कितने मिठाइयां देख रहा है कितने खड़ौनिया के दुकाना कितने तमाशे लगे हुए हैं देख के बड़ा प्रसन्न बड़ा खुश अचानक एक थान से भीड़ आई तो बापू की उंगल छुप गई तो विछोड़ा पै गया मेला हुई है सर बापू के नालों विछोड़ा पै गया तो बच्चा रो रहा उची उची कोई फड़ के उसको मिठाई दे रहा उसमें चंगी नहीं लगती कोई खड़ौने दे रहा बच्चे मन जाएगा खुश हो जाएगा ना
बहुत रुलदा है। कुछ समय बाद भागद हो बापू ने आके लभ लिया तो उंगल पकड़ ली, फिर माहौल हो ही, फिर खुशी हो जाए। बापू की उंगल हाथ में सी आनंद सी, बापू की उंगल छुट गई, माहौल उही सी, सारा दुनिया उही सी, मेला उही सी, पर वो मेला जोड़ा है उजड़ गया। तो जब फिर बापू की उंगल हाथ में आई तो फिर कुछ नहीं, असं वो तो विछड़े हुए हैं। इस करके जीवन में खेड़ा नहीं है, वो मिलकर ही खेड़ा है। गुरबाणी कहती जो तो उसको जपेगा तो वह रूप बन जाएगा। गुरबाणी असलियत दसती है, जिन हर जपया से हर होए, हर मिलिया केल केला नहीं। जिन्होंने रब न जपया रब वर्गे बन गया। दुनिया में केल करने वाले उस परमात्मा का रूप बन जाते हैं। एक गुरबाणी सानू तत् दसती है तो वो वर्गा बन सकता है, वो समा सकता है। सतगुरु जी कह रहे हैं कि तत्ते सार न जानी गुरु बाजो, तत्ते सार न जानी तीही गुणी संसार भरम सुखता सुत्या रहण बिहानी। क्यों समझ लग रही है इस बंदा माया के तीन गुण ने रजो तमो ते सतो। सौखे तौर पर आप समझ कि इन्होंने तिना के ही बंदा सुता हुआ है। हम एक गल देखना कि जो बंदा सौ जाता तो सुत्या बंदे सुपना हों, तो सुपने में बड़ा अमीर बन जाता है या बहुत कुछ लोगों को तो उसने लैना होंगे, बड़ा व्डा मालूम मां बड़ा वो को उसने बड़ा लोगों को बड़ा कुछ दिता होंगे, तो हम वो नींद खुल गई तो हम लोगों को आखिर तेरे को लाख रुपया लेना तो देगा थोड़ी पे, वो नींद दी कहानियां सी। हुण जितने भी काम असीं करदे आ सुपने करदे आ, सुपने दे विच कीते हुए काम का कोई फायदा नहीं हुंदा। वी बंदा आखे कि हुण मैं बिजनेस कीता सी ते इहनूं मैं इन्नी एक ट्रक किसी माल का देता तो मैं पैसे लैण जावांगा, तो कुछ कहेगा सुपने दी कहानियां ने। तीही गुणी संसार भरम सुता, किहड़े ने तीन गुण? रजो तमो ते सतो। रजो है राज करन दी लालसा कि मैं ही मेरा ही राज रहा मैं ही। और हर बंदा हुक्म ही चलाना चाहता है, मनना नहीं चाहता, मेरी चले मेरी गल आवे बस। ये रजो गुण है, ये हर बंदा जिन्नी कु पाया रखता सुता ही है। दूजा है तम, तमो अज्ञानता का हनेरा। ये तमो गुण के बहुत असी फसे हुए हैं, मालिक गुरु याद नहीं आता, अज्ञानता के हनेरे में बंदा डुबिया हुआ, बस कुछ भी दिसता नहीं, सच का पता नहीं लगता, असलियत का पता नहीं लगता। ये माया का गुण है, ये बहुतात। तीजा है सतोगुण। सतोगुण के बंदा धर्म कर्म करता है, पाठ करता है, सेवा करता है, सिमरन करता है, पर बटे च मनता लोग मैं चंगा कह, ये एक माया का तीजा गुण है। बहुतात ये फसल है तो चंगा धर्म है, बहुतात असं यही कुछ कर रहे हैं, मेरे बाबा हो बस, वाह वास्ते थोड़ी करनी सी सेवा, अपने बटाने वास्ते सेवा तो करनी है। सेवा कद नहीं करनी सी कि मैं मिट जावा खत्म हो जाए, पर मैं कह रहा दूजा दिखाने वास्ते। ये सतो गुण है, वह भी बंदा कितने नहीं पहुंच सकता, कितने भी नहीं, अवस्था उच्च नहीं होती, बस इतने रुक गया। रज गुण, तम गुण, सतगुण कही है, ये तेरी सब माया, ये तेरी माया। चौथे पद को जो नर चीने तीन ही परम पद पाया। इन्हों तिना तो उपर निकल के चौथा है आत्म अडोलता, सहज। नहीं तो इन्हों के ही बंदा सुत्या सुता पाया, करता तो बड़े कुछ है पर उही सुते सुपने लै रहे हैं, तो सुपन के कख भी नहीं कभी मिले।
तिही गुणी संसार भरम सुखता सुत्या रहण विहानी जिंदगी की रात सुत्या सुत्या बीत जाती बन बेनती अगे भी करदा कि शरीर करके सोना नींद एक रब की बड़ी महान दात है। शरीर करके सोना जिन्होंने नहीं आती कुछ जिन्हों बंद नींद नहीं ना आती कदे पुछो बेचारे तरले रहते दुखी हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं कई तरह दवाइयां खाते हैं नींद नहीं आती रब की दात है कि जो बंदा सौ जाता है तो सवेरे करो ताजा होकर उठता बिल्कुल फिर मन करके तन करके फिर वो जिम्मे बिल्कुल ताजा होकर उठता है और जिन्होंने नहीं आती बेचारे दुखी हो जाते छे या अठ घंटे सोना बड़ा जरूरी है शरीर को ठीक रखने वास्ते। इस शरीर की नींद जो ना आए तो बंदा पागल होना दुखी हो जाता है। शरीर करके सोना है और शरीर करके जागना बड़ा सौखा है। अलार्म ला के बंदा जाग जाता कोई जगा देता है पर दूजी मानसिक नींद मानसिक तौर पर जेडे बंदे सुते ने उन्होंने उठाना बड़ा मुश्किल है वह नहीं उठते मानसिक तौर पर। ज्यादातर दुनिया मानसिक तौर पर सुती हुई है। तिही गुणी संसार धर्म सुता सुत्या रहण विहानी जिंदगी की रात सुत्या सुत्या लंघ जाती है। सर कहते किवें जागिया जाए गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलें अमृत बाणी कहे नानक सो तत पाए जिसनो अन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी। गुरु कृपा से गुरु की कृपा नाल जागया जा सकता है। गुरु की कृपा है गुरबाणी है सिमर 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 गुर अपना सोया मन जागाई। गुरबाणी क्यों पढ़ना सी कि अपने सुते हुए मन को जगाना है। गुरबाणी मैं अपने वास्ते पढ़नी सी कि मैं कितने कितने मानसिक तौर पर सुता तो सुत्या केड़े केड़े काम मैं जेड़े ने गुरमत के विरुद्ध कर रहा गुरबाणी के उल्ट जा रहा मैं कितों कितों जा रहा मैं उस पास सुचेत होना सी। गुरबाणी को पढ़ के असं सुचेत होना है जागृत अवस्था में आना है जागना गुरबाणी जगाती है सानू सुत्या पर असी इस वास्ते तो कदे पढ़े नहीं असी तो सब होर सौंदे हैं। गुरबाणी पढ़द्या पढ़द्या बंदा सौ जाता है कई बार नींद ना भी आया तो बंदा गुटका पकड़ता गुटके अठ च डिग जाता सौ जाता बंदा। सतगुरु जी तो जगाते हैं जाग जाग कुंभकर्ण के बारे सारे सुने भी कुंभकर्ण जोड़ा ना छे महीने जागता से तो छे महीने सौंदा से पर फिर भी चंगा सी चलो छे महीने बाद उठ पैंदा सी चलो छे महीने बाद उठते सी जाग पैंदा सी छे महीने जागता सी सुने पर इत्थे तो बंदा सुत्ता ही जागदा नहीं जिन्हें रात सुत्ता हो तिही गुणी संसार भरम सुत्ता सुत्या रहण विहानी सारी रात जिंदगी दी बीत जाती है। कबीर सूता क्या करे उठ के न जपे मुरार एक दिन सोमन होएगो लंबे कोट पसार। कबीर साहब कहते क्यों सुता है मानसिक नींद मानसिक तौर पर उठ के न जपे मुरार उठ के कभी सुचेत होकर रब का नाम नहीं जपया याद रखी एक दिन ऐसा सोएगा लंबे गोडे पसार के फिर उठेगा फिर नहीं उठेगा। गुर कृपा ते से जन जाके जिन्ना हर मन वसिया जिन्ना दे मन विच रब दी याद वसै बोले अमृत बाणी जिहड़ी अपनी रसना तो गुरबाणी दे बोल बोलदे ने उची उची गुरबाणी पढ़दे ने गुरु का शब्द गाउंदे ने उहदा उह सुचेत हो जांदे उह अपने घर नूं बचा लैंदे नैनों नींद पर दृष्ट विकार किवें सुत्या नैना विकारां दी नींद लगी हुई है
पर दृष्टि विकार विकारां की दृष्टि नाल दुनिया देखते अखां साडियां सुत्तियां हो जांदियां ने। सरवण सोए सुन निंद विचार, कन्न सुते ने निंदा सुन सुन के लोकां दी, वध दीआं गल्लां सुन सुन के सुते। मन सोया माया विस्वास, मन साडा माया दे विच सुत्ता पिआ। ते सहज कहिंदे ने इस ग्रह में कोई जागत रहै, इस घर दे विच जे कोई जागदा है ओह तां ही अपने आत्मक जीवन दी वस्तु नूं बचा सकेगा, नहीं ते हर वक्त सुते हुए बंदे जिहड़े ने उहनां दे घर लुटे जांदे। जिहड़े बिल्कुल सुते पए हुंदे ने, चोर को आवे को जाए किसे नूं कोई पता नहीं, और जिहड़े सुचेत हुंदे ने घर वाले ओह अपना घर बचा लैंदे। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वस्त ओ अपनी रहे, ओ अपने आत्मक जीवन नूं उच्चा चुकन वाली नाम वस्त नूं बचा लैंदे ने, नहीं ते बहुतात सुते। गुरु की कृपा, गुरु की बख्शिश गुरबाणी नाल जुड़ीए ते गुरु कृपा करेगा। गुरबाणी नूं गाइए, पढ़िए, सुनिए, विचारीए, समझिए। गुरु कहिया साकार कमाओ, जो गुरु कहिंदा है उसनों जिंदगी विच कमाल लग जाए, उसनों मनन लगती है थोड़ा थोड़ा करके। शब्द चीन शब्द नूं गुरु दे उपदेश नूं पछाणीए, समझिए, जानिए, सहज कराओ, फिर सहज अवस्था विच आओ कि तुसी साचे नाए वडाई पाओ, सच्चे नाम विच सुरत तुहाडी जुड़ गई ते फिर तुहानूं इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, दुनिया विच वडियाईआं मिलेगी, आनंद आएगा जिंदगी विच। गुरबाणी को सारे पढ़ते ते सुनते ने, सेवक सिख पूजन सब आवे सब गावे हर हर उत्तम बाणी। कोई सेवक सिख बन के सारे ही गुरबाणी को पढ़ते ते सुनते मनते ने, पढ़ी जाते ने सारे, सारे पढ़न आते सुन आते ने, सारे आए इत्थे ते सहज कहिंदे ने गाया ते सुनिया किन्हां दा थाएं पैंदा। गाउण नूं ते सारे ही गाउंदे सुनदे, गाविया सुनिया तिनका हर थाएं पावे, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर बानी। गाया ते सुनिया उन्हां दा थां पैणा है जिन्हां ने सतगुर दे हुकम नूं सच करके मन लिया ते सच्चे पातशाह दो सिखिया है, ये साडे वास्ते हुक्म है, तुहाडा सी इस नूं मन्नांगे, ये तुहाडा हुक्म है। तो जदों हुक्म नूं गुरु दे उपदेश नूं मन्नांगे फिर साडा गाया ते सुनिया थां पैणा। गुर कृपा तिसे जन जाके, जिन्ना हर मन वसिया बोलें अमृत बाणी, कह नानक सो तत पाए, ओ असलियत पा लेता। कह नानक सो तत पाए, जिसनों आन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी। जिन्ना दी लिव मालक नाल जुड़ जाती है फिर दिने रात मानसिक तौर पर कदे नहीं सौंदे, सुचेत होकर जीवन बसर करते हैं, असलियत को समझते हैं, सतगुरु कृपा कर बख्शिश कर मेहर कर के असी गुरबाणी नूं ध्यान नाल प्यार नाल पढ़िए, सुनिए, समझिए, विचारीए अते उहदे ते अमल करिए। जिन्ना हो सके इस नूं मनण दा यतन करिए, फिर सतगुरु की बख्शी बाणी के विचों असी असलीयत नूं समझ के, असलीयत नूं समझ लै ते भुलेखे जिंदगी विचों खत्म हो जाएंगे। तो सब धन्यवाद।